दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड के एग्जाम मीडियम को लेकर यहां पर खबर आई है दोस्तों, तो वो खबर हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ नए यहां पे नए महीने में मार्च से बहुत जगह पे स्टडी सेंटर की नई खबर आई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूज देखेंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों सबसे बड़ा बात आ रहा है एग्जाम मीडियम को लेकर कि एनआईएस द्वारा डीएलएड की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, साथ ही एनआईएस से और भाषागत भेदभाव सामने आ गया है। दरअसल एनआईएस द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में मीडियम के साथ उसके स्थान पर भाषाओं की सूची में से उर्दू को हटा दिया गया है। हालांकि छात्र एनआईएस के डीएलएड कोर्स प्रशिक्षण सत्रीय कार्य तथा परीक्षा की कॉपी उर्दू में लिख सकते हैं, इस बात का खुलासा आरटीई में हुआ है ऑलरेडी। तो मतलब कि जो उर्दू लैंग्वेज अगर आप देखेंगे एग्जाम मीडियम सेलेक्ट करेंगे, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें आपको उर्दू नहीं दिखाता है, लेकिन आरटी ये बात ऑलरेडी क्लियर कर चुका था कि उर्दू को आप एज अ एग्जाम एज अ मीडियम आप उसमें रख सकते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे नीचे में दिखाता हूँ। तो ये है ऑफिशियल यहाँ पे जो यहाँ पे साइन करके जो यहाँ के क्षेत्रीय निदेशक हैं, ये बिहार से है, तो वहाँ उनके द्वारा ये क्लियर कहा गया था, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचनाएं, ये एनआईएस की ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें प्रश्न ये था कि एनआईएस के डीएलएड कोर्स में प्रशिक्षु अपने सत्रीय कार्य एवं परीक्षा की कॉपी उर्दू भाषा में लिख सकते हैं या नहीं। उसका आंसर है कि एनआईएस के डीएलएड कोर्स में प्रशिक्षण सत्रीय कार्य हेतु उर्दू माध्यम से एवं प्रशिक्षण की कॉपी उर्दू भाषा में लिख सकते हैं। ये क्षेत्रीय निदेशक चुन्नू प्रसाद हैं बिहार के, आप लोगों को पता होगा, तो उनका ये ऑलरेडी यहाँ पे कथन था। और जब आप लोग स्टार्टिंग में एनआईएस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे, उस टाइम भी आप लोगों ने अपनी अपनी भाषा सेलेक्ट की थी, तो वही भाषा रहेगा। अगर यहाँ पे अभी नहीं भी दिखा रहा है तो एनआईएस की गड़बड़ी है। और स्टार्टिंग में तो दो दिन एग्जाम मीडियम में दिखा ही नहीं रहा था, तो उस समय भी बहुत लोगों ने नहीं भरा है, तो वो एनआईएस की यहाँ पे प्रॉब्लम है और एनआईएस उसे ठीक करेगी। आप जो भी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी कि आपने इनिशियली में सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, और खास करके उर्दू की जहां तक बात है, तो उर्दू यहां पे ऑफिशियल नोटिस है कि उर्दू एक लैंग्वेज होना चाहिए और है, वो ऑलरेडी यहां पे मतलब डिफाइंड किया हुआ है। तो वहां पे अगर नहीं दिया गया एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में तो आप वहां पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उर्दू में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आप अगर अभी मान लीजिए हिंदी भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पे चूंकि उर्दू एक माध्यम है और यहां पे एनआईएस की गड़बड़ी से हुआ है, तो वो चीजें वहां पे एनआईएस के द्वारा बदली जाएगी। आपका जो भी मीडियम है उसी मीडियम में आप वहां पे एग्जाम देंगे। आगे अगर दोस्तों इस न्यूज में हम देखें तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हालांकि इस बारे में छात्रों का कहना है कि एनआईएस की ओर से कोर्स के दौरान उर्दू में विषय वस्तु और दूसरी सामग्रियां भी प्रदान नहीं की गई, जबकि हिंदी सहित दूसरी क्षेत्रीय भाषा में विषय वस्तु और पाठ्यक्रम मुहैया किया जाता है। उर्दू के साथ हो रहे इस भेदभाव को लेकर जो ट्रस्ट है, कुछ ट्रस्ट है, उन्होंने कहा है कि एनआईएस को यथाशीघ्र उर्दू को दूसरी भाषाओं के साथ सूची में शामिल करना चाहिए, जबकि स्टार्टिंग से ये बात बोला गया था और यहाँ पर ये नोटिस भी जारी की गई थी, तो उर्दू को यहाँ पे जरूर एज अ जो एग्जाम का मीडियम है उसमें लेना चाहिए। अगला जो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है वो यहाँ पे स्टडी सेंटर को लेकर है कि मार्च में, ये अपडेट दोस्तों हिमाचल प्रदेश से है, जहाँ पर कि मार्च में 8 मार्च से शिक्षकों को यहाँ पे प्रशिक्षण मिलने की बात यहाँ पे आ रही है, और प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण 8 मार्च तक। तो ये अगर पूरा न्यूज़ हम लोग यहाँ पे देखें तो 15 दिवसीय जो प्रशिक्षण है उसके लिए 22 फरवरी से डाइट केंद्र में हाजिरी यहाँ पे शुरू हो गई है पीसीपी केंद्रों के लिए। हालांकि बहुत जगह पे स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसी जगहों में से कुछ जगह पे अब स्टार्ट हो रही है इस वीकेंड से, तो 22 फरवरी से बहुत जगहों पे यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और अगला देखें तो यहाँ पे पहला चरण 1 मार्च से 15 मई तक होगा और दूसरा चरण 15 मार्च से 30 मई तक होगा, तो ये 2018 की ही बात हो रही है। तो 15 मार्च से 30 मई तक दूसरा चरण होगा और तीसरा चरण 1 अप्रैल से 15 जून तक होगा। पहले चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी तक पंजीकरण होगा, ये यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी दिया हुआ है। तो मेनली बात यही है कि अब जहाँ पर भी स्टडी सेंटर शुरू नहीं हुआ था वहाँ पर भी अब हो रहा है, तो आप अपने रेफरेंस नंबर से चेक कर सकते हैं। जैसे ये हिमाचल प्रदेश का हुआ, आप किसी दूसरे स्टेट से ही बिलोंग्स करते हैं तो वहाँ का आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपको रेफरेंस नंबर से दिखा रहा है तो अब आप यहाँ पे पीसीपी क्लासेस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों का नहीं आया था, बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमारा स्टडी सेंटर नहीं आया है, तो आप लोग अब देख सकते हैं बहुत जगहों पे अब फिर से शुरू हो रहा है। तो ये दोस्तों अपडेट था अभी का, आगे के अपडेट के साथ भी हम बने रहेंगे। और एग्जाम मीडियम को लेकर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम भी सेलेक्ट किया था, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। अभी आप लोग
उम्मीद करें अगर वो अवेलेबल है तो उसमें से आप करेक्ट सेलेक्ट कर लें। यही बातें हैं दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपके साथ बने रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कोई सुझाव या सलाह है तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, नए मेहमान हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो आप मुफ्त फ्री में हमारे चैनल के मेंबर हो जाएंगे। और साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन है उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।